जनपद का पुलिस ऑफिस कार्यालय पुराने आरटीओ कार्यालय में शिफ्ट होने के बाद शुक्रवार को जन सुनवाई का कार्य प्रारंभ हुआ। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने शुक्रवार को नए पुलिस ऑफिस कार्यालय में जन सुनवाई की तथा पुलिस ऑफिस कार्यालय में आए फरियादियों की फरियाद को सुना तथा उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जनपद का पुलिस ऑफिस पुराने आरटीओ कार्यालय में शुरू हो गया है। जब तक कि नया ऑफिस नहीं बन जाता है, पुलिस ऑफिस में जन सुनवाई शुरू की गई है, इसलिए जनपद के नागरिक किसी भी तरह की समस्या होने पर पुराने आरटीओ कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपनी समस्या को बता सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, क्या भैया वही रखा तो खोल खोल दे उसको, आगे को तो बता दो आपके दादी की रिपोर्ट करता है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो सब भी हम ऊपर का और बुला लेंगे, देख लो तो देख लो सर सर कर रहे हैं तो साथ से कुछ देखा जाए, कुछ कम हो तो जितना कम हो सके उतना कम कर लो। रिपोर्ट है तो कम नहीं, रेट के लिए आप हमारा कम नहीं दे, पहले हमारा एक एक आपने शिफ्ट बना करो, शुरू करो सीआरके ब्रांच पहले आया, क्योंकि अब ये दिन अगर रहेगा तो काम भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा चक्कर ये दिक्कत दे देगी, हमारी दिक्कत में बिजली काट दे दीजिए उसके बाद ये जहाँ देखता है गाली पीता है तो मारने के धमकी दे रहा है, क्या समस्या है भैया? मेरा घर मर गया, मेरे साथ आप ही आए रहने के लिए, तो लोग रहने नहीं दे रहे, तो एक रूम के ऊपर मैं ताला मार लिए भी मार दिए, छोटे बच्चे को बहुत मार, मेरा 3 साल अपना सामान ले गया, मन में कुछ बेमानी है, इंडिया में चला गया, सामने मैंने मकान खाली सर वो नहीं, ये साहब निवास कोतवाली में रहते हैं सर, कोतवाली निवास निवास साहब का मामला, लेकिन मामला साफ हुआ। जनपद गोरखपुर में नया पुलिस ऑफिस जो कि एक टेम्प्रेरी सेटलमेंट के तहत जब तक के लिए नया पुलिस ऑफिस नहीं बन जाता है कचहरी में, तब तक के लिए पुराना आरटीओ ऑफिस के पास संचालित किया जा रहा है, एवं यहां पे जनसुनवाई शुरू हो गई है। शहर के आसपास के जितने भी एप्लीकेंट हैं जिनको पुलिस से किसी प्रकार की कोई परेशानी है, आवेदन करना है, वो नए पुलिस ऑफिस पुराने आरटीओ कार्यालय पे आके अपना आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पे जनसुनवाई शुरू हो गई है। थैंक यू।